अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। भावना सिसोदिया। कहाँ से आई हैं आप? देवास। भावना, ये आप घुटनों के फल माँ के दर्शन करने आई हैं, क्या मनोकामना आपकी पूर्ण हुई है? मैंने और क्या अपने मम्मी पापा के लिए की थी। क्या, किस समय की थी ये? अभी अभी की थी, 15-20 दिन पहले। क्या था, क्या हो गया था ऐसा? किसी भी चीज के लिए की थी। अच्छा। वो मन्नत नहीं बताऊंगी, बट की थी, बट माता ने मेरी सुनी और पूरी हुई वो मेरी मन्नत, इसलिए आप घुटने के बल आ रही हैं। घुटने के बल आ रही हूं। कितने सालों से माँ के दरबार में आते हैं आप? मैं हर साल आती हूँ, हर नवरात्रि में, ऐसे में रनिंग करने भी यहाँ पे आती हूँ। ये माता की क्या विशेषता है जो आप आज आई हैं? माता रानी का सच्ची में रियली में है माता, बहुत यहाँ पे है, सच्चा चमत्कार है माँ का। चलो आगे बढ़ो।
अभी नौ दिन ऐसे ही है यार, नौ दिन जो मिल जाए। चलो चलो, क्या क्या करना है भैया? उल्टा चलेगा, सीधा नहीं चलेगा। आप लोग भी आवाज सही है। आप मंदिर में दर्शन करना आए हैं, कौन से मंदिर में दर्शन करना है और मंदिर के क्या मान्यता है, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? हम लोग माता जी के दर्शन के लिए आज पहला दिन है। हाँ। चामुंडा माता और कुंजा भवानी माता के, और मेरी शादी हुई जब से मैं यहाँ दर्शन के लिए आ रही हूँ। उनका बहुत ज्यादा महत्व है, मैं जो मांगो सारी मनोकामना पूर्ण होती है। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम शीतल है, शीतल दावड़ेकर। गौरीपति जी कहाँ पे आई है, कौन सा स्थान है ये? ये माँ चामुंडा दुर्गा भवानी। डिग्री आप छोटे बच्चों को लेके क्या विशेषता इस मंदिर की, आप खींची चली हैं इसमें? बहुत विशेषता है, यहाँ पे माता जी मनोकामना पूरी करती है, जो मांगो वो देती है। आज नवरात्रि का पहला दिन है, आप छोटे बच्चे को लेके आई है, कितनी भीड़ लग रही है आपको, क्या लग रहा है? बहुत भीड़ है, बहुत माँ का सच्चा दरबार है, यहाँ पे सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। थैंक यू। सर्दी नवरात्रि का पहला दिन है, प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था की गई माँ के दरबार में? प्रशासन द्वारा
पूरे नवरात्रि के दौरान हमारे राउंड द क्लॉक मजिस्ट्रेट लगे हैं, पुलिस की पूरी व्यवस्था है, अलग अलग हमने सेक्टर बना के रखे हैं, उनमें हमारे पूरे अधिकारी लगे हुए हैं और उसमें श्रद्धालुओं की पूरी श्रद्धा का साथ में और उनके भावनाओं का ध्यान रखते हुए हम लोग सुव्यवस्थित ताकि दर्शन भी हों और किसी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं है। सर 24 घंटे माँ के दरबार खुल के 24 घंटे आपका प्रशासन यहाँ पर मौजूद रहेगा, लगातार मौजूद। मंदिर में दर्शन करना आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है और सुबह से यहाँ भक्त दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। कहाँ से आए आप और क्या मंदिर के बारे में आप बताना चाहेंगे? मैं टीना राठौर देवास से ही आई हूँ। यहाँ लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ती है और दूर दूर से माता रानी के दर्शन करने के लिए सभी लोग यहाँ पे आते हैं, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अच्छा, ये मंदिर कहाँ स्थित है और इस मंदिर के क्या परंपरा है? देवास में स्थित है, ये मध्य प्रदेश के देवास जिले में स्थित है, देवास में। अच्छा, चामुंडा माई और तुलजा माई के। कितने वर्षों से आप इस मंदिर में आ रहे हैं और क्या आपकी मनोकामना पूरी? मैं तो सालों से यहाँ आ रही हूँ, बचपन से। क्या नाम है आपका? हीना राठौर। नाम है आपका? महंत सुरेश नाथ। सुरेश जी, आप कहाँ के पुजारी हैं? हाँ, चामुंडा टेकरी के। आज नवरात्रि का पहला दिन है, किस तरह से श्रद्धालुओं की यहाँ पे भीड़ आई है बताएं और इसके बाद हम आपसे बात करेंगे, तो क्या विशेषता है वहाँ की जो भक्ति से चलाता है? इधर क्या है, माँ नवरात्रि का पहला दिन है, माँ शैलपुत्र की पूजा की जाती है और माँ सती के रक्त गिरे तो यहाँ टेकरी पर, तो रक्तवाहिनी चामुंडा कहते हैं इन्हें। और दिन में तीनों बदलती हैं, सुबह बचपना फेरी में जवानी, शाम को वृद्ध अवस्था, ऑटोमेटिक सर पे चेहरे पे दिखता है। और जिसको संतानी होती है, माँ के मुँह में पाँच पांग का गिरा दिया जाता है और संतान होने वाली तो माँ के मुँह से गिरा गिरता है। और राजघराने से दागिना आता है, जेवरात आता है माता जी के नवरात्रि में, 9 दिन तक उनको किराया जाता है, आठ बार वापस निकल जाएगा। नवरात्र पहला दिन और यहाँ पर सुबह से भक्त दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, सुबह भी आप भव्य आरती हुई दर्शन करने के लिए दर्शनार्थ दर्शन करें, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे क्या है, माँ शक्ति की आराधना के दिन चल रहे हैं, नवरात्र पहला दिन है, माँ शैलपुत्र की पूजा की जाती है और ऐसे भी माँ शक्ति माता सती के यहाँ रक्त गिरे थे और माँ चामुंडा रक्त रूप में, रक्त रूप चामुंडा आईनी कहते हैं इन्हें, वह दिन में तीनों बदलती है, सुबह बचपना दोपहर में जवानी और शाम को वृद्ध अवस्था, ऑटोमेटिक माँ के चेहरे पे परिवर्तन होता है। अच्छा पंडित जी, मंदिर का इतिहास क्या रहा, मंदिर की क्या परंपरा है यहाँ पर? ऐसे क्या है कि जिसकी कोई संतान नहीं होती है, माँ के मुँह में पाँच पांग का बिया दिया जाता है और माँ उनकी गोद भरती है। अच्छा, यहाँ माता रक्त के सती के रक्त गिरे थे, इस वक्त रक्तवाहिनी चामुंडा कहते हैं। और यहाँ राजा महाराज की कुलदेवी भी है और यहाँ हर नवरात्रि में राजवाड़े से दागिना आता है और जेवरात गिराते हैं, शाम को आरती के बाद वापस उतार लिया जाता है। पंडित जी, आपका नाम? मेरा महंत सुरेश नाथ पुजारी। माता की स्थापना भी हुई है, पहला दिन भी है, यहाँ पे लगातार दर्शन करने आ रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं, यहाँ लाखों के लगातार प्रथम दिन शैलपुत्र रूप में माँ तुलजा भवानी के दर्शन करने लाते लगात में श्रद्धालु यहाँ बधा रहे हैं। काफी कोरोना महामारी काफी चीजें होने के बाद अब जो मंदिर पूरा प्रारूप तरीके से खुला है और पूर्णतः रूप से श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन के द्वारा पुजारियों के द्वारा सुचारू व्यवस्थाएं की गई है। आज स्थापना का समय भी 12 बजे का रहेगा, आप उसमें देख सकते हैं कि आपके पेट में तुलजा भवानी का दर्शन अभी आप यहाँ कर रहे हैं। पंडित जी, मंदिर का क्या इतिहास है और मंदिर की क्या परंपरा है? यहाँ पर माँ देवी सती के जब अंग गिरे, जहाँ अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ बना और जहाँ रक्त गिरा वहाँ रक्तपीठ बना, जहाँ आप रक्त दर्शन कर रहे हैं ये रक्तपीठ है, जहाँ भगवती सती का रक्त गिरा है, रक्त से दो देवियों आपको तुलजा भवानी और चामुंडा माता है, ये दोनों देवियों का बताया जाता है कि ये दोनों बहनें थी, पहले एक समय पर दोनों देवियाँ एक ही जगह पर साथ में विराजमान थी, देवी ने अपनी कुछ कथा को आगे बढ़ाने के लिए या अपनी लीला रचने के लिए दोनों बहनों में बात विवाद के कुछ बहाना करते हुए एक दूसरे को पीठ देकर के बैठ गए, जिसमें तुलजा भवानी पाताल में समाने लगी और चामुंडा देवी उनको पीठ देकर के पावागढ़ को प्रस्थान करने लगी। तो उसी प्रकार यहाँ पर भैरव महाराज, हनुमान जी, अन्नपूर्णा, अष्टभुजा, इन सभी देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने भगवती से क्षमा
अर्चना कर देवी को यहाँ रोका और फिर देवी यहाँ उसी अवस्था में विराजमान होगी जिस अवस्था में देवी वहाँ खड़ी हुई। ठीक है पंडित जी, आपका नाम? महंत विनयनाथ पुजारी। ठीक है।